नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एस्ट्रो लाइफ चैनल पे। और आज का ये वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो है, एक हेवी वेट वीडियो रहेगा, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसका सरोकार देश और दुनिया से रहने वाला है। 13 दिन के पक्ष में हम चल रहे हैं। हमारा पहले भी एक वीडियो 13 दिन के पक्ष पे, काफ़ी पहले हमने वीडियो डाल दिया था, जिसमें हमने पूरे पिछले 50 वर्षों में 13 दिवस का जो पक्ष पड़े हैं उनकी एनालिसिस की थी बड़े डिटेल में, और बताया था कि ये किस तरह से अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। महाभारत काल में भी 13 दिन के पक्ष की हमेशा चर्चा होती है, और 13 दिन के पक्ष होने की वजह से इतना भयंकर युद्ध महाभारत हुआ, और जिसमें दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया। तो ये बातें इतिहास की हैं और प्रूव्ड हैं, हिस्टोरिकली भी प्रूव्ड हैं। अब ये जो 13 दिन का पक्ष पड़ रहा है, जो कि 23 जून से शुरू हो गया, हम उसी में चल रहे हैं, और 5 जुलाई तक पड़ेगा। ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष का जो समय है 13 दिन का, ये निश्चित रूप से एक खतरे की बात तो बताता है, और उस खतरे को हमको भांपना चाहिए, समझना चाहिए, और उस दृष्टिकोण से अपने डे टू डे के काम करने चाहिए। अब इस 13 दिन के पक्ष में क्या विशेष है और कब ये खतरनाक है? आप बोलेंगे कि 23 तारीख से शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष रूप से खराबी दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, फिर मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि 26 जून को रात में, यानी कि सवेरे सवेरे कहना चाहिए, 25 और 26 जून के की दरमियानी रात में 1:40 से कुंभ राशि लग जाएगी, और कुंभ राशि 26, 27 और फिर 28 तक रहेगी। उसके बाद मीन राशि लग जाएगी, जो कि लगभग 30 तारीख तक रहेगी। तो ये जो 26 से 30 तारीख 31 तारीख तक का समय है, ये समय बहुत ही क्रिटिकल है। इस समय पर दुनिया में, देश में हमको कुछ बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो युद्ध के रूप में हो, प्राकृतिक आपदा के रूप में हो, और गंभीर समय ये रहेगा। जन धन की हानि के भी संकेत इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस 13 दिन के पक्ष में अभी तक कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट निगेटिव इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि चंद्रमा अभी बाहर है। अगर आप कुंडली देखेंगे अभी की, तो आप देखेंगे कि मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं और कन्या राशि में केतु बैठे हुए हैं, और शनि देव उससे बाहर हैं कुंभ राशि में। बाकी सभी ग्रह जो हैं राहु और केतु के अंतर्गत आ रहे हैं। शनि के बाहर रहने को ज्योतिष में कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, और एक तरह से काल सर्प दोष का सृजन इसको माना जाता है। तो अभी तो चंद्रमा बाहर है, लेकिन चंद्रमा कुंभ राशि में जैसे ही आएंगे तो शनि के प्रभाव में आएंगे, फिर मीन में आएंगे यानी कि 28 तारीख को, तो वो काल सर्प के अंतर आ जाएंगे। तो कुल मिला के जो मैंने 26 से लगभग 30 बोला है, और उसके बाद चंद्रमा जो है पूरे 13-14 दिन 28 तारीख के बाद उसी काल सर्प का सृजन करते हुए मूव करेंगे। तो मेरा ये प्रिडिक्शन है यहाँ पर कि 26 से लेकर के लगभग 15-16 दिन का समय, यानी कि 26 जून से 16 दिन, आप 17 दिन मान लीजिए, ये 17 दिन का समय बहुत ही डेंजरस है। इस समय पर बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बड़े युद्ध के खतरे बन सकते हैं, और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के भी संकट इस समय पर आ सकते हैं। अब इसमें प्रिसाइसली अगर और भी हम प्रिसाइसली देखना चाहें, तो मीन राशि जो कि जिसमें राहु बैठे हुए हैं,
वहां से मुख है काल सर्प का और कन्या राशि तक ये जाता है। तो मीन राशि समुद्र की राशि है, तो समुद्र के क्षेत्रों में बड़े संकट आते हुए मुझे दिखाई देते हैं। तूफान वगैरह के रूप में भी आ सकते हैं, सुनामी के रूप में भी आ सकते हैं। तो ये समुद्र के क्षेत्रों में ज्यादा संकट की परिस्थितियां रह सकती हैं। इसके अलावा मेष राशि में मंगल बैठे हुए हैं और शनि से दृष्ट हैं। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और अभी मंगल 16 डिग्री के हैं, शनि देव 25 डिग्री के हैं। तो मंगल फिर अब लगभग डेढ़ महीने में यानी 45 दिन में एक राशि 30 डिग्री पार करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से इनको 25 डिग्री पकड़ने में अभी लगभग 10 दिन का समय लगेगा। पंचांग मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आपको ऐसे ही एक अपने कैलकुलेशन से बता रहा हूं कि लगभग 10 दिन बाद यानी कि 5-6 तारीख को, जुलाई में 5-4 तारीख के आसपास, ये शनि और मंगल दोनों एक दूसरे सेम डिग्री पे रहेंगे दोनों, और शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। तो जो मेरा प्रिडिक्शन है कि छब्बीस तारीख से या 25 तारीख की रात से 16-17 दिन का समय बहुत ही डेंजरस है, तो उसमें ये विशेष करके 4-5 जुलाई का जो समय है, इस समय पर शनि की मंगल पर दृष्टि भूकंप के खतरे बताता है, उत्तर दिशा में भूकंप के खतरे बताता है, युद्ध के खतरे बताता है। उस समय पर बहुत सावधानी की जरूरत है। तो ये मेरी मूलतः जो मैं आपको अलर्ट करना चाहता था वो बात हो गई। तो इस टाइम पर आप सावधान रहिए। राशियों के बारे में अगर हम कहना चाहें तो हालांकि हमारे कुछ ज्ञानी मित्र बोलते हैं कि आप राशिफल बताना बिल्कुल बकवास है, क्योंकि एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं, तो क्या सभी का भविष्य एक होगा? तो इस बारे में मैं जवाब देना चाह रहा था, पहले भी मैंने लिख के जवाब दिया था जिन सज्जन ने लिखा था, अब मैं वीडियो में ही जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि ये भावना बहुत से लोगों के बीच है। तो दोस्तों, राशिफल बताने का मतलब ये नहीं है कि हम आपका भाग्य बता रहे हैं। सबका भाग्य एक नहीं हो सकता, उनने कहा था, तो हम भाग्य नहीं बताते हैं, हम आपको इंडिकेशन देते हैं कि भाई फला राशि के लिए खतरे का समय है, फला राशि वालों के लिए ये समय है। अब उसमें अगर आपकी पत्रिका में मान लीजिए दशा भी बदकिस्मती से खराब उस समय चल रही है, हम आपकी कुंडली इंडिविजुअली तो देख नहीं सकते, तो हम आपको एक जनरल गाइडलाइन देते हैं। अब इस समय पे अगर मान लीजिए आपकी दशा खराब है तो निश्चित रूप से आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, दशा अच्छी है तो आपके साथ ज्यादा गड़बड़ कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से इसको देखना चाहिए, लेकिन ज्यादा गड़बड़ नहीं होगा का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आप ठीक रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका काम कोई एक कंपैरेटिव आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए हमने किसी राशि को कहा कि भाई आपके लिए खराब समय है शारीरिक दृष्टि से, तो अगर आपकी उस राशि की महादशा अच्छी चल रही है तो उसको हल्की फुल्की सर्दी या कोई हल्का स्प्रेन इस तरह का कुछ हो करके वो टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर दशा खराब होगी तो ऑपरेशन भी हो सकता है, हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, या कोई भी सीरियस नेचर का एलिमेंट हो सकता है। तो कुंडली का अपने आप में ये महत्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोचर प्रभावी नहीं है। गोचर जो हम लोग अभी बताते हैं, जो राशिफल ये गोचर के आधार पर बताते हैं, तो ज्योतिष में गोचर का भी बहुत महत्व है जितना मूल कुंडली के ग्रहों का है। तो हमारे मनीषियों ने जो गोचर का महत्व बताया है वो व्यर्थ में नहीं बताया है, इसलिए गोचर फल भी आप सुनिए। गोचर से आपको इंडिकेशन मिलेगा कि भाई ये समय आपका अच्छा है, ये समय खतरे का है, उसका फायदा आप ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए। तो राशि फल के बारे में या राशियों के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था, तो सरसरे तौर पर अगर मैं देखना चाहूँ तो लग्न से मैं आपको बता रहा हूं, अभी राशि जन्म राशि से नहीं बता रहा हूं, लग्न से आप सुनिए।
मेष लग्न वाले जो होंगे तो मेष लग्न पे शनि की दृष्टि मंगल बैठा है, आपके लिए स्वास्थ्य का खतरा बना बताता है, आपको सावधान रहना चाहिए, विशेष करके जो 5 जुलाई की डेट मैंने 4-5 जुलाई बोला। इसके बाद वृषभ राशि के लिए यानी कि वृषभ लग्न के लिए बहुत ज्यादा कोई समस्या की बात नहीं है, शुक्र उनका लग्न का स्वामी कंबस्ट है, इसलिए थोड़ा परेशानियों से आप घिरे होंगे, थोड़ी मानसिक शारीरिक परेशानियां लगी रहेंगी अभी जब तक के शुक्र आपके कंबस्ट है। अब सूर्य 8 डिग्री के हैं, शुक्र 13 डिग्री के हैं, तो शुक्र का कंबस्शन जब भी खत्म होगा, डेट मुझे अभी नहीं मिल रही है, लेकिन आगामी 10-12 दिन 15 दिन के बाद एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि आफ्टर 15 डेज जो टॉरस है, वृषभ राशि है, वृषभ लग्न वाले लोग जो हैं वो शारीरिक तकलीफ से थोड़ा मुक्ति पाएंगे, या मानसिक जो भी उनको संताप कष्ट परेशानी हो रही है उससे थोड़ा मुक्ति उनको मिलेगी। मिथुन वाले जो हैं, मिथुन के लिए अभी शुक्र बुध सूर्य सब उनके लग्न में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कुल मिला के समय अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा और बुध कंबस्शन से निकलेगा लगभग 3-4 दिन के बाद, तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। ऐसे भी अभी भी कोई बुरा समय नहीं है, आपको बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। कर्क के लिए शनि आपके अष्टम में बैठे हैं तो थोड़ा आपको परेशानी तो चल ही रही है, अब इसमें मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, उस पर शनि जब पूर्ण दृष्टि मारेंगे 4-5-6 जुलाई को, तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत भाग दौड़ परेशानी हो सकती है। सिंह के लिए समय जो है वो बहुत ज्यादा कोई खराब नहीं है, और सिंह लग्न वालों के लिए गड़बड़ सिर्फ यही है कि मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं और जो काल सर्प योग बन रहा है, तो शारीरिक तकलीफ आपको बहुत सावधानी रखना पड़ेगा, पेट से संबंधित तकलीफ हो गई, खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज आपको कुछ सीरियस नेचर का भी ट्रबल हो सकता है आपकी दशा अगर गड़बड़ है तो। कन्या लग्न के लिए केतु आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो भटकाव दे सकते हैं ये 15-16 दिनों के लिए, जो कि शुरू हो जाएगा जैसा मैंने बताया 26 जून से, तो आपको भी सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन आपके लिए संघर्ष के बाद सफलता भी मिलेगी आपको। तुला लग्न के लिए ये जो समय है, चूंकि शनि आपके प्रमुख ग्रह हैं और मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, डालेंगे 4-5-6 तारीख के आसपास पूर्ण दृष्टि रहेगी, तो जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है कोई कार्य क्षेत्र की व्यस्तता के कारण, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। वृश्चिक लग्न के लिए चौथे भाव में शनिदेव बैठ करके ऐसे भी आपको ढैया की तकलीफें दे रहे हैं और आपके लग्न पे दृष्टि मारेंगे लग्न के स्वामी पे, तो आपको शारीरिक रूप से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। धनु लग्न के लिए ये जो समय है ये कोई विशेष खराब नहीं है, सकारात्मक परिणाम लेके आएगा, हालांकि मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं, काल सर्प दोष का सृजन कर रहे हैं, तो वाहन चलाने में आपको जरूर थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, और साथ ही घर की शांति लग्जरी ये सब पे कुछ कोई सामान महंगा सामान खराब हो जाए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। मकर के लिए, मकर लग्न वालों के लिए ये जो समय है अच्छा रहेगा, कोई ज्यादा तकलीफ आपको नहीं होगी, सकारात्मक समय रहेगा। कुंभ लग्न के लिए ये जो समय है, चूंकि सेकेंड हाउस से आपके बन रहा है तो धन का खर्च अनाप शनाप आपका हो सकता है, धन को किसी को दे नहीं अन्यथा वो डूबने का पूरा खतरा आपका बन सकता है। मीन लग्न के लिए, मीन लग्न में ही राहु बैठे हुए हैं काल सर्प दोष बनाते हुए,
तो आपका प्रभाव बढ़ेगा समाज में, लेकिन चिड़चिड़ाहट और टेम्परामेंटल इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं इस समय पर। तो ये था आपका राशिफल या लग्न फल हमें कहना चाहिए। तो ये लग्न फल मैंने बताया। अब ये जो समय है दोस्तों, इसको रेमेडीज इसकी क्या है, इसको अच्छे से निकालना है। अगर आपको ज्यादा खतरे की किसी का समय ऐसे ही खराब चल रहा हो तो उनको विशेष रूप से सावधानी की जरूरत है। ऐसे समय में चूंकि मैंने दो तीन चीजें आपको बोली हैं, पहला तो 13 दिन का पक्ष, दूसरी बात मैंने बोली है कि काल सर्प दोष जैसा एक जो बन रहा है, और तीसरी बात मैंने बताई है खतरे की कि शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। तो एक तरह से मेरा ये वीडियो 3 खतरों से आपको आगाह कर रहा है, और ऐसे समय में आपको राहु की शांति, शनि की शांति अगर आप करेंगे तो आपको कष्टों से आप बचेंगे। इसके अलावा चंद्रदेव की आराधना करें, मंडे को नॉनवेज वगैरह ना खाएं, मंडे को शेव भी ना करें हो सके तो, मंडे को बहुत सैंक्टिटी से अच्छे से शुचिता के साथ अपना समय गुजारिए तो आपको ये जो 13 दिन का पक्ष है कष्ट कम देगा। भूकंप वाले जो क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, उन सभी को मेरा ये अनुरोध है कि थोड़ा सा डरने की बात नहीं है, थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अलर्ट रहने का मतलब है कि आप जागृत रहें। ज्योतिष में सब बकवास करते हैं, इस तरह का भी मत सोचिए, और ज्योतिष ने बोल दिया तो हो ही जाएगा इस तरह से भी मत सोचिए। ज्योतिष का बताने का मतलब है कि खतरा है, लेकिन 100% ये हो ही जाएगा ऐसी बात नहीं है, खतरा जरूर है और खतरा गंभीर है, तो उसको थोड़ा गंभीरता से लें। तो इसलिए टेंशन में भी ना आए और बहुत रिलैक्स भी ना रहें। तो अभी के लिए इतना ही, और वीडियो पे अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वीडियो अगर आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था कि ये 13 दिन के पक्ष का प्रभाव क्या क्या होता है। 13 दिन के पक्ष होने से वो जो जिस वर्ष में ये जो 13 दिन का पक्ष पड़ता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि लोगों को, प्रजा को कष्ट होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, साथ ही व्यापक धन जन की हानि होने का खतरा रहता है। कहीं पे अतिवृष्टि होती है तो कहीं पे वृष्टि नहीं होती। ये सभी इस 13 दिन के पक्ष पड़ने के फलित हैं, और इसलिए इस बार वर्षा के मामले में हमको कुछ जगह वालों को, कुछ स्थान वालों को निराश होना पड़ेगा, और कुछ स्थान वालों को बहुत गंभीर वर्षा के संकट झेलने पड़ेंगे। तो ये 13 दिन के पक्ष का फलित जो शास्त्रों में लिखा गया और जिसको मैं डिकोड करके आपको बता रहा हूँ, इस तरह से है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर करिए, व्यूज़ भी आपके, पूरा वीडियो देखा कीजिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको अंदर की जो गहरी बातें हैं वो पता चलेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।